मैं आपको इस फोन का जो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर फीचर्स है वो चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं ऑन करूंगा, यहाँ पे आपको देखने को देख सकते हैं इसका जो पूरा फीचर जो है इस तरह से मैं यहाँ से इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिस तरह से यहाँ पे आपको शो ऑफ हो रहा है। ये है कंट्रोल फीचर्स, इसे आप जो है कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। एंड इसके भी अलावा अगर आप किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं इस फीचर्स को, तो मैं यहाँ पे आपको वही चीज बताऊंगा कि कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार इस पे क्लिक करूंगा, देखने को मिला है इस तरह से आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है। यहाँ पे आप साइड में देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिला, देख सकते हैं एक एरो जो है आपको देखने को मिल रहा है, जिस तरह से ऊपर की ओर आपको यहाँ पे जो है साइड वा का जो फीचर्स रहता है वो उसके साथ साथ इस ये भी आपको देखने को मिल रहा है। इसमें मैं क्लिक करूंगा, ये फीचर्स मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ आसानी से। सो ये फीचर्स आप कैसे जो है वन प्लस के इस डिवाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड यही डिवाइस के जरिए से बताऊंगा। लेकिन अगर आपके पास वन प्लस का कोई और दूसरा मॉडल है, कोई और दूसरा डिवाइस है, जो भी डिवाइस है सभी पे ये वर्क करेगा। ओके, बस आपको जो बताने वाला हूँ उसी को आपको फॉलो करना है। सो अगर आपके पास भी गाइस वन प्लस का डिवाइस है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको एक से एक वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे एंड मिलते रहता है। सो जैसे कि इसमें मैं एक बार क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कंट्रोल फीचर्स इस तरह से शो ऑफ हो रहा है। इस तरह से आप जो है पूरा यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, कलर पे आप भी आपको देखने को मिल रहा है। इस चीज को अगर आप ब्लर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये पूरा कैसे क्या क्या करना होगा पूरा सेटिंग से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वीडियो को इन तक जरूर देखिए। तो ये जो है आपको करना होगा एक एप्लीकेशन की मदद के जरिए से, एक एप्लीकेशन अपने फोन पे इंस्टॉल करना होगा, जिसके बाद जो है आसानी से आप अपने फोन पे ये फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन का नाम क्या है, कहाँ से इंस्टॉल करना है, कैसे क्या क्या करना होगा, पहले मैं आपको पूरा चीज बताऊंगा, उसके बाद आपको नाम पूरा बताऊंगा कहाँ से आपको मिलेगा। जस्ट आपको पूरा सेटिंग को आपको सीखना है कि कैसे हमें सेटिंग करना है, तभी आप सही से इस्तेमाल कर पाओगे। सो एप्लीकेशन आप जैसे ही ओपन करोगे आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, ऊपर की ओर आपको पोजीशन देखने को मिल रहा है, पोजीशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये फीचर्स इनेबल हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इस तरह से आना है, यहाँ पे इस फीचर्स को आपको इनेबल करना होगा। यहाँ पे आप जैसे ही इनेबल करोगे पोजीशन का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करोगे इस तरह से आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कलर करके, यहाँ पे आपको कोई भी कलर आपको चूज करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो भी कलर चूज करना चाहते हैं वो कलर चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको हल्का सा साइड में जो ब्लैक करके देखने को मिल रहा है, इस पे मैं अगर दूसरा कलर चूज कर लूंगा तो वो यहाँ पे उस तरह से देखने को मिल जाएगा। ओके वाला बटन पे क्लिक करूंगा, इस तरह से आपको शो ऑफ हो रहा है। सो ये आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं, आपको जो भी कलर बेस्ट लगे वो आप इस तरह से एडजस्ट करके रख सकते हैं। एंड इसका जो है वाइड एंगल जो है वो आप थिकनेस इस तरह से लंबा चौड़ा आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना साइज इसका बढ़ गया है। मैं यहाँ पे फिलहाल अभी इस तरह से कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आएगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से आप इसका साइज जो है कम बड़ा कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। एंड उसके बाद हाइट हो गया, हाइट इसका आप जो है इस तरह से ठीक कर सकते हैं, जैसे कि देखने को मिला, देख सकते हैं पहले कितना छोटा था अब ये कितना बड़ा हो गया है। इस तरह से आप जो है पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एंड उसके बाद आपको अल्फा का ऑप्शन देखने को मिला, इससे पूरा डार्क कितना चाहिए नहीं चाहिए वो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है। ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से पूरा डार्क कंट्रोल आप कर सकते हैं। सो ये तो रहता है यहाँ पे कलर उलर चूज करने का। उसके बाद यहाँ पे बैक आना है, दूसरा आपको देखने को बैकग्राउंड का ऑप्शन, इस पे आपको बैकग्राउंड पे यहाँ पे आपको देखने को मिला, देख सकते हैं इमेज बैकग्राउंड इस पे टिक लगा हुआ है। इसमें जो टिक लगा हुआ है इसमें मैं जैसे स्लाइड करूंगा इस तरह से यहाँ पे कलर जो है देखने को मिल रहा है आपको। ओके, यहाँ से पूरा साउंड पूरा लाइट उट हर एक चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह से स्मार्ट फीचर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये एक तरीका है। सो यहाँ से आप जो है इमेज बैकग्राउंड कलर पे है, एंड ट्रांसमिशन अगर आप यहाँ पे चूज करना चाहते हैं इस पे क्लिक करोगे सो इस तरह से आएगा, देख सकते हैं किस तरह से आपको ट्रांसमिशन के हिसाब से आपको आपको देखने को मिल रहा है, पूरा आर पर आपको शो ऑफ हो रहा है। सो अगर आप ये फीचर्स को इस्तेमाल करते हैं सो इस तरह से पूरा कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं आसान तरीके से। सो यहाँ पे आपको दो तरह का आपको देखने, एक जो है बैकग्राउंड कलर के हिसाब से एंड दूसरा आपको ट्रांसपेरेंट आपको देखने को मिला है, इस पे क्लिक करोगे सो ट्रांसपेरेंट जो है आर पार आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद कलर अगर आपको फिर से चाहिए इस पे क्लिक करके यहाँ पे इस तरह से आना है, इस पे आपको टिक करना है, अप्लाई बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर से वो आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बैक आना है, यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल रहा है कस्टम कंट्रोल। अगर आप जो है इस चीज को कस्टमाइज और भी करना चाहते हैं, कौन सा ऐड करना है कौन सा रिमूव करना है इस साइड पे, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करूंगा क्या क्या आपको शो ऑफ हो रहा है, इनमें से कुछ अगर आपको ऐड करना है किसी को रिमूव करना है सो इसलिए आप यहाँ से पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी ऐड करना है प्लस वाला आइकन पे क्लिक करोगे वो ऐड हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे आपको लैंग्वेज वैंग्वेज देखने को मिल रहा है, किस तरह से आप जो है कौन सा लैंग्वेज से एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो यहाँ पे गाइस ये सब पूरा इंपॉर्टेंट सेटिंग रहता है जो आपको करना होगा। अब यहाँ पे पूरा तरीके से हो गया, पूरा सेटिंग आप सीख लिए कि कैसे क्या करना होगा।
अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा एप्लीकेशन है ना आपको कहाँ से इस मिलेगा। एप्लीकेशन का जो नाम है यहाँ पे आपको देखने को मिला, देख सकते हैं इजी कंट्रोल करके, यहाँ पे आपको देखने को मिला है लोगो भी इजी कंट्रोल करके, ये एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। प्ले स्टोर पे आप आपको आसानी से मिल जाएगा, जैसे आपको प्ले स्टोर पे जाना है, इजी कंट्रोल सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा बनाया हूँ, जो अगर आप जो है ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जो है मैसेज कर दोगे तो वहां से इस एप्लीकेशन को मैं दे दूंगा, पिन कर दूंगा। ओके, सो इस एप्लीकेशन को आपको इस्तेमाल करने के लिए वैसे आपको अपने फोन पे इंस्टॉल करना है, उसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद कुछ परमिशन अगर मांगेगा, फर्स्ट में यहाँ पे अलाउ अलाउ का परमिशन, जैसे कि क्या क्या परमिशन मांगेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे शो ऑफ करा देता हूँ। ओके, परमिशन देने के बाद आपको क्या करना है, इसे आपको ऑन करना है। यहाँ पे इसे ऑन करने से पहले यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, सो ये परमिशन क्या मांगेगा, जैसे आप जो है इंस्टॉल करोगे अपने फोन पे, आपके सामने जैसे आप ओपन करोगे इस तरह से आएगा। सो यहाँ से आपको लैंग्वेज चूज कर लेना है, जो भी आप लैंग्वेज पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे डिफॉल्ट पे रहने देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद इस तरह से आएगा कंटिन्यू, कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस बॉक्स पे आपको टिक करना है, स्टार्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको इसे आपको परमिशन दे देना है, जो भी यहाँ पे आपको शो ऑफ हो रहा है वो एप्लीकेशन यहाँ से आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद आप इससे आपको परमिशन दे देना है, इस तरह से करना है, अलाउ वाला बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पूरा ऑप्शन आपके फोन पे अगर ये ऑफ रहा है इस तरह से आपको आना है, क्लिक करना है वो एप्लीकेशन, यहाँ से आपको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद इसे आपको ऑन कर लेना होगा, उसके बाद जो है ऑन कर लोगे आपके फोन पे ये एक्टिव हो जाएगा। ये भी अगर ऑफ रहा तो इसे भी आपको क्लिक करना है, इसे ऑन कर लेना है, डन वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। डन वाला बटन पे क्लिक करने के बाद इसे आपको ऑन कर लेना है, देखने को मिल रहा, देख सकते हैं साइन में आपको दिखा रहा है किस तरह से आपको एज करना है। सो यहाँ पे उसके बाद जो रहता है शेयरिंग वोटिंग करने का, जो मैं आपको बता दिया। सो गाइस, आई होप कि वीडियो काफी हेल्पफुल है, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड अगर आपके फोन पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक अगर आपको और भी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।